नमस्कार दोस्तों, एसएसयू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। जैसे कल हमने स्टॉक्स बताए थे उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है, आज आपने देखा होगा। और रेगुलर जो स्टॉक्स बता रहे हैं, जो जिस साइड में हम लेवल्स बता रहे हैं, ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंट मिलता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने USD INR का चार्ट है, तो USD INR को डिस्कस करते हुए निफ्टी में चलते हैं। तो USD INR में एक स्ट्रांग मोमेंटम है दोस्तों, और ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी, और ये वीकनेस यहाँ पे अभी परसिस्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल भी अभी एक अच्छा मोमेंटम में, स्ट्रांग साइड में ही है। तो क्रूड ऑयल और USD INR अगेंस्ट मार्केट है, बट ओवरऑल आज का जो मार्केट का सिचुएशन देख के आज एक नीचे का डाउन साइड ब्रेक करके वापस आया है, यानी नीचे वो टिक नहीं पाया। जब सपोर्ट को ब्रेक किया था उस टाइम में वो टिक नहीं पाया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अभी ध्यान रखना है, ये अभी लेवल्स है दोस्तों आपके सामने। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे ऊपर में आज जो रेजिस्टेंस है 16,500 ब्रेक करने से, अगेन आपको यहाँ पे 16,600 और प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों। और वापस अगर इस लेवल को, लाइन को तोड़ता है, 370 को तोड़ता है, तो नीचे साइड का डाउन साइड ओपन होता है। तो सबसे पहले इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। 500 क्रॉस करने से ऊपर जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी, अच्छा मोमेंटम मार्केट में आएगा और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी यहाँ पे। और यहाँ से नीचे जाता है तो शॉर्ट्स, नए फ्रेश शॉर्ट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने बात की थी, कल का रेंज और आज का रेंज भी उसी रेंज में है। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है 34,772 है, उसको ब्रेक किया था लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से उसी रेंज में आके बंद हुआ है। वापस ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 35,400 के आसपास है, तो ये दोनों लेवल्स आपको वॉच में रखना है। और इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो आपको, मतलब इस रेंज में कंसोलिडेशन का पॉसिबिलिटी रखता है। इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तभी एक स्ट्रांग मोमेंटम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग के लिए जो स्टॉक है दोस्तों वो है HDFC AMC। और HDFC AMC का आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम है दोस्तों। एक गिरावट के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन में टिका है। आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो ये एक बड़ा सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया था, और उसके बाद ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, काफ़ी बड़ा लेवल है वो भी, और वहाँ से बाउंस किया है वीकली चार्ट में आपको दिखाया, और यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। पोजिशनली ये 2094 तक जा सकता है, लेकिन कल और एक दो दिन के लिए ये ट्रेड सेटअप है। यहाँ पे आपको 1089 के आसपास बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 1874, और आपको 1889 के आसपास बाय करना है। और इसका टारगेट आपका रहेगा 1918 के आसपास का टारगेट कल के लिए, और एक दो दिन के लिए यहाँ पे 1945 के आसपास के टारगेट रहेंगे दोस्तों। तो ये हो गया HDFC AMC, काफ़ी गिरावट के बाद एक मूवमेंट के लिए रेडी है। बायोकॉन में एक अच्छा मोमेंटम आया दोस्तों, और बायोकॉन और ऊपर की लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा 339.5 के ऊपर, और यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं आप 348 के लेवल के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप छोटा सा स्टॉप रखना है 334.35 का। तो ये हो गया बायोकॉन। उसके बाद शॉर्ट के लिए जो ट्रेड सेटअप है उसमें टाटा स्टील आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और टाटा स्टील में आप सेल कर सकते हैं 1040.5 के नीचे, और इसका स्टॉप लॉस आप छोटा सा स्टॉप लॉस लग सकते हैं 1055 के आसपास, और इसका टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1021.8, और दूसरा टारगेट 1009। तो टाटा स्टील सेल के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये इंडियन होटल है दोस्तों, और इंडियन होटल अगर आज का लो जो था 219.219 ब्रेक करता है तो उसके बाद एक डाउन साइड में आप 200
210 के लेवल्स देख सकते हैं, और इसमें भी आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है, 223.6 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों कल के लिए, दो लॉन्ग स्टॉक और दो शॉर्ट स्टॉक। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल का व्यू और यूएसडी आईएनआर का व्यू आपको बता दिया। और दोस्तों इन लेवल्स को आप मॉनिटर कीजिए, रेगुलर मॉनिटर कीजिए, और आपको कैसा लग रहा है मेरा ये प्रयास वो ज़रूर बताइए, तो हम आगे और एफर्ट डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।